हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुचुस किचन। टुडे वी आर गोइंग टू बेक अ डिलीशियस केक विदाउट एग, ओवन एंड शुगर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक कप गेहूं का आटा। फिर हम ले लेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है। फिर हम ले लेंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर। ये है 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और छलनी से छान लेना है। इसे हम 2 बार छान लेंगे। Swing tries will make the cake spongier and softer. अच्छे से हमें 2 बार छान लेना है इसे। एक बच्ची के साथ वॉइस ओवर करना कितना डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर मैंने बाउल थोड़ा छोटा लिया है, इसलिए मैं ऐसे छान रही हूँ, वरना आटा थोड़ा बाहर गिर जाता। अब बड़ा बाउल लेना। इसे हम दोबारा से छान लेंगे। फिर से हमें इसे छान लेना है। अब हम यहाँ पर 1 कप बटर लेंगे। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं या घी भी चलेगा। ये 1/2 कप मैंने दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें जैगरी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप जैगरी लिया है, गुड़ लिया है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा गुड़ डालिए। मुझे मीठा कम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब तक कि गुड़ पिघल जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पर वेनिला एसेंस लेंगे। 2 टेबलस्पून वेनिला एसेंस लिया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे ये मेरी बेटी की रेसिपी है। अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे इसमें। ये 1/2 कप दूध चला जाएगा इसमें। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बना मैं रही हूँ, इंस्ट्रक्शन मेरी बेटी दे रही है। ये सारा मुझे जो प्रोपोर्शन है उसी ने ही बताया है।
विदाउट अवन, विदाउट मैदा, विदाउट शुगर, विदाउट एग आप घर पे भी बढ़िया सा केक बना सकते हैं। बाहर से महंगा महंगा केक लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैंने कोको पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कोको पाउडर डाला है। जब घर पे ही अच्छा केक बन सकता है तो बाहर खर्चे क्यों करें, है ना? मेरी बेटी की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। आप घर पर एक बार बना कर देखना, एकदम बाहर जैसा ही स्पॉन्जी केक बनेगा और एकदम हेल्दी, विदाउट एग, विदाउट ओवन, विदाउट मैदा। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए ये मेरी बेटी इंस्ट्रक्शन दे रही है। ये जेम्स की गोलियां डाल दी है मैंने और ये ड्राई फ्रूट्स है, आपको जितने चाहिए उतने आप डाल सकते हैं। देखिए ये दोनों बेटियां इंस्ट्रक्शन दे रही है, और डालो और डालो। अब एक पैन को मैंने गरम कर लिया है, 5 मिनट्स के लिए हमने हीट करने के लिए रख देंगे। और एक टीन में हमें ऑयल लगा कर ग्रीस कर लेना है इसे। आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, मैंने टीन को ऑयल से ग्रीस किया है। अब ये सारा बैटर हम उसमें डाल देंगे। देखिए बैटर में लम्प्स नहीं रहना चाहिए, इतना आपको मिक्स करना है और इतना गाढ़ा रखना है आपको। तो ये मेरा बैटर तैयार है, इसमें से हवा ऐसे निकाल देनी है। देखिए अभी हम यहाँ पर जेम्स की गोलियाँ रख रहे हैं, ये पूरा मेल्ट हो जाने वाला है। और ये थोड़ा ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे वो उसमें हम गार्निश कर देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गैस को आपको धीमे से मध्यम आंच पर रखना है। देखिए अब हम इसमें एक टूथपिक हो तो आप वो ले सकते हैं, ये मैंने अपम का लिया है। हाँ तो अभी ये हमारा केक बनकर तैयार नहीं है, तो थोड़ी देर और रखेंगे। अब हम इसे फिर से चेक करेंगे। देखिए टूथपिक पर चिपके नहीं, तो ये समझ ली कि ये केक हो गया है। तो ये हमारा केक बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने दे, उसी के बाद ही आप उसको निकालें, वरना केक फट जाएगा, टूट भी सकता है केक। इसे ठंडा होने दे, थोड़ी देर बाद उसको हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है, तो एक प्लेट को उल्टा रख दे उस पर और टीन को उल्टा कर दे। टीन अभी भी गर्म है, तो मैंने इस यहाँ पर एक कपड़े की मदद ले ली। अब इसको उल्टा कर देंगे। तो देखिए हमारा केक बनकर तैयार है। अब टीन को हम उठा लेंगे, एक दूसरा प्लेट उस पर रख देंगे और केक को उल्टा कर देंगे फिर से। तो ये हमारा स्पॉन्जी केक तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, मैं इसको कट कर कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। और खाने भी में भी एकदम टेस्टी है, एकदम बढ़िया वाला केक। देखिए कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और अभी गरम गरम है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।